नैनीताल में बीते 1 नवंबर को थाना मुक्तेश्वर के अंतर्गत सदबुंगा में रसोई में काम कर रही 80 साल की वृद्ध महिला सरस्वती देवी पत्नी खड़क सिंह नयाल के मुंह में कंबल डालकर गले से 2 तोले का सोने का गलोबंद छीनकर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मालूम हो कि सीनियर सिटीजन के साथ हुए इस जघन्य वारदात को देखते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने घटना का अतिशीघ्र अनावरण करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने बीते दिन उक्त चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त टीकम सिंह गौड़ पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह गौड़ निवासी ग्राम सतबुंगा थाना मुक्तेश्वर को सतबुंगा के पास से लूटे हुए सामान गलोबंद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर महेश जोशी, कांस्टेबल त्रिलोकनाथ, कांस्टेबल विपिन शर्मा शामिल थे। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।